अगली खबर है दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए विवाद को लेकर। सिम्स और कोरोना चौक के बीच 6 अक्टूबर की सुबह 5 बजे दुर्गा विसर्जन के दौरान दो दुर्गा समितियों के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। इस पर दोनों ओर से 40-50 युवकों ने जमकर पथराव किया, साथ ही डीजे वाहन में तोड़फोड़ हुआ। सिटी कोतवाली थाना में महज 500 मीटर की दूरी पर एक घंटे तक उपद्रव चलता रहा। इस दौरान पुलिस गायब रही। घटना के बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 15 युवकों और दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। हंगामा मचाने वाले कई लोग फरार हैं, पुलिस तलाश कर रही है। 6 अगस्त की रात शहर में करीब 175 समितियों की ओर से दुर्गा का विसर्जन किया। सिटी कोतवाली के पचरी घाट में 80 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाओं को झांकियों के साथ विसर्जन किया गया। रात भर विसर्जन की प्रक्रिया चलती रही। सिम्स से पचरी घाट तक लोगों की भीड़ थी। शुक्रवार की सुबह 6 बजे कुदुडंड की शिव दुर्गा उत्सव समिति और सरकंडा चांटी दी की मां आदर्श दुर्गा समिति के सदस्य प्रतिमा व डीजे वाहन के साथ चल रहे थे। सिम्स चौक कोरोना चौक के पास एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयास में दोनों समितियों के बीच विवाद शुरू हो गया। कुछ ही समय में दोनों समितियों के 40-50 लड़के एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इस दौरान लाठी भी भांजी गई। करीब एक घंटे तक दो डीजे वाहनों में जमकर तोड़फोड़ चलती रही। इस दौरान हंगामे को रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। जमकर पथराव व तोड़फोड़ होने के बाद दोनों पक्षों के लड़के फरार हो गए। इस बीच पुलिस को सूचना मिली। पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची, दोनों डीजे वाहन को जब्त किया। पथराव में डीजे संचालक, वाहन चालक समेत कई युवक घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। वीडियो के आधार पर 17 युवकों की पहचान की गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शहर में कई सालों से झांकियों के साथ पचरी घाट में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। इस दौरान हर साल छोटी छोटी घटनाएं होती है। पहली बार दंगे जैसी स्थिति निर्मित हुई, जमकर पथराव किया गया, लाठियां भांजी गईं।